उत्तम फलदायक नहीं है। शुक्रदेव वो आपके छठ में रहेंगे, छठ में रहेंगे तो छठ में पत्ती का कारक होता है। छठवां भाव जो है सो रोग शत्रु झगड़े का कारक होता है और पत्नी का कारक शुक्र होता है, इसलिए दोनों प्रकार से आपके पत्नी से विवाद झंझाट हो सकती है, कुछ परेशानी पत्नी के साथ में हो सकती है, उससे समाधान बना रखें। और बुधदेव वो भी आपके सप्तम हो जाएंगे तो बुधदेव व्यापार में वृद्धि कराएंगे, अनेक स्रोतों से लाभ देंगे, व्यापार अच्छा चलाएंगे और आपके व्यक्तित्व में भी निखार करने वाले रहेंगे। और मंगल देव आपकी राशि से एकादशे सर्वलाभम, ग्यारहवें भाव में लाभप्रद हो रहेंगे, भूमि संबंधी लाभ, भूमि से जुड़े लोग जो हैं कृषक जन हैं या भूमि संबंधी जो कार्य कर रहे हैं, खनन का कार्य कर रहे हैं, रेत गिट्टी सीमेंट ये खनन के कार्य करने वालों की, माइनिंग के काम वालों को और जमीन जायदाद के काम खेती है किसानों के लिए सब प्रकार से बहुत लाभ का ये सप्ताह जाने वाला है। और एक सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि गुरु का और राहु का, राहु आपकी राशि पे बैठे हैं ये बहुत हानिकारक थे, लेकिन इस सप्ताह में राहु का और गुरु का त्रिकोण संबंध योग बन रहा है, ये राजयोग है, त्रिकोण संबंध राजयोग, ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आध्यात्म अभिरुचि बढ़ेगी और जो विशेष रूप से जो लीक से हट के कार्य करने वाले हैं उनके लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन अशांति उन लोगों को होगी जो अनर्गल कार्य कर रहे हैं, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और समाज के विरोध में काम करने वाले हैं, जो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, ऐसे जो जन लोग हैं उनको भी बहुत बड़ी हानि उठाना पड़ेगी। जो दुष्ट कर्म कर रहे हैं लेकर सामने बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इस पर ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी हानि उठाना पड़ेगी। और इनके लिए जो समाज में प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं उनकी प्रसिद्धि क्षीण हो जाएगी, उनका वो जो अंतर की चीज़ है वो बाहर आने वाली है। इन लोगों को बहुत बहुत सावधान इस सप्ताह में रहना है, इनको पुलिस केस भी हो सकता है, अनेक प्रकार के झंझटें इनके सामने आ सकती हैं। लेकिन जो सज्जन लोग हैं जो अच्छे कार्यों में लगे हुए लीक से हटके कार्य नहीं कर रहे हैं, नियम पूर्वक नीति रीति से जो कार्य करने वाले हैं उनके लिए चार दो गुने चार चौगुने बढ़ेंगे, ये इनके विकास के लिए बहुत अच्छा समय है एक सप्ताह, क्योंकि इसमें राहु का और गुरु का जो दृष्टि संबंध है एक दूसरे को देख रहे हैं वो इंटरचेंज भी है, ये इंटरचेंज बड़ा राजयोग कराता है और खास करके वृषभ राशि वाले और मकर राशि वालों के लिए तो वरदान है, ये स्वर्ण काल कहलाएगा ये उन लोगों के लिए। इस प्रकार से इनके बहुत वृषभ राशि वालों के अच्छे दिन जो है इस सप्ताह में आने वाले हैं। और गुरुदेव आपकी राशि से जो है सो वृषभ राशि से नौवें हैं, नौवें भाग्य वृद्धि, भाग्य वृद्धि में बहुत बड़ा सहायक बनेंगे ये। नीच भंग राजयोग में गुरु और सस योग भी बना रहे हैं शनि के साथ में, दोनों प्रकार से गुरु बहुत वरिष्ठ बन रहे हैं, तो ये जो योग है ऐसे धनु राशि यानी जो जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए बहुत उत्तम फलदायक बनेंगे। अच्छा गुरुदेव अच्छा फल देने के साथ साथ में और गुरु क्या अच्छा कार्य करने वाले हैं आपके लिए, सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य बनेंगे यानी छोटे भाई बहनों के लिए सुख शांति सहयोग करने वाले रहेंगे और आपका पराक्रम मेहनत अच्छे कार्यों में लगेगी, उसका यश और प्रशंसा मिलेगी। साथ साथ में आपके यही छठवें स्थान पर गुरुदेव होने से गुरु की दृष्टि छठ में जा रही है, इसलिए वे उत्तम भी रोग शत्रु का विनाश करने वाले रहेंगे। इस प्रकार से यह आपके लिए गुरु अच्छा फल देने वाले। शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव आपकी राशि से नौवें भाग्य वृद्धि है, वो भाग्य में जा रहे हैं तो भाग्य में गुरु क्या शनि क्या करेंगे, लाभ मार्ग को बिगाड़ेंगे, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव कराएंगे
और जब इस प्रकार से नौवें होंगे तो ये नुकसान करेंगे ही, साथ साथ में छोटे भाई बहनों को और बड़े भाई बहनों के सुख शांति छीन लेंगे, और साथ साथ में जब भाग में जाएंगे तो रोग शत्रु विनाश भी करेंगे। पुराने रोग पुराने शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मामा को भी कष्ट होगा। इस प्रकार से ये शनिदेव कार्य कराने वाले हैं। मंगलदेव क्या कराने, एकादशी सर्वलाभ सब प्रकार से लाभ देने वाले बताए हैं। अच्छा, अब जो है सो चंद्रदेव क्या करने वाले हैं, मेष राशि पर चंद्रमा रहेंगे आपकी राशि से 22 और 23 तारीख को बाद में होंगे, तो 22 और 23 तारीख को थोड़े से सावधानी से काम करना है, क्योंकि बाद में नहीं होंगे। उस समय चंद्रदेव जो है तो आपकी राशि से 10 में हो जाएंगे, 10 में चंद्रमा 10 में कर्म ईप्सितम यानी कर्म में प्रसिद्धि दिलाएंगे, कर्म को अच्छा करेंगे और आपके जो किया हुआ काम है उसकी लोग प्रशंसा करेंगे। उसके बाद में यही चंद्रदेव 24 और 25 तारीख को ये हो जाएंगे एकादशे सर्वलाभम, सब प्रकार से लाभप्रद होगा, चाहे वस्तु का लाभ हो या पैसे का लाभ हो, जमीन का लाभ हो, जायदाद का लाभ हो, या किसी से कोई लाभान्वित संयोग बने, इस प्रकार का संयोग अच्छे करने वाले हैं 24 और 25 को। और 26 और 27 का को ये हानिकारक होंगे चंद्रदेव, बाद में हो जाएंगे, इसलिए उस दिन आपका मन मलिन रहेगा, कोई वस्तु गुम सकती है, कोई पैसा गुम सकता है, कोई उधार ले ले वापिस ना दे, किसी से मनमुटाव हो सकता है, ये समय ठीक नहीं है। और 27 और 28 तारीख को ये जब आपके जन्म के चंद्रदेव हो जाएंगे, आद्य चंद्रस्त्रिया को लक्ष्मी प्राप्त कराएंगे। लक्ष्मी प्राप्त कैसे होगी, अचानक कोई मित्र मिलन हो जाए, अचानक मेहमान आ जाए, इनसे आपको लाभान्वित हो, इष्ट मित्रों से लाभ हो सकता है, और एक लाभ का अच्छा समय है ये दिनांक 27 और 28 तारीख को। इस प्रकार से सब राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला यह सप्ताह रहेगा। मंगल कामना करता हूँ, आपका सप्ताह अच्छा बीते। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।